क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं? यह कमला की एक पुरानी चिट्ठी और यह अदालत में पेश की चिट्ठी की फोटोस्टेट कॉपी, जरा दोनों की लिखाई मिला के देखो। तो ब्रिजभूषण के साथ कमला का संबंध था? हाँ आनंद, अब समझे कमला क्यों बेहोश हो गई। उसके दिमाग में तो उसी दिन से संघर्ष चल रहा होगा जिस दिन करुणा पकड़ी गई। आज जब सरकारी वकील की दलीलों ने उसकी आत्मा को झुंझोड़ा तो बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। तुम तो जानते हो बेटा, शुरू से ही कमजोर दिमाग की लड़की है। और मैंने इतना बड़ा दोष लगा दिया उस बेचारे पर। कितनी ऊंची हो गई है वो हम सबसे। मैं तो उससे माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा। हाँ बेटे, वो हमारी अपनी इज्जत थी जब तक करुणा बचाती रही। अब क्या पिताजी? करुणा को निर्दोष साबित करने के लिए कमला को अदालत में पेश करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? सोच रहा हूं पिताजी, कमला का नाम दुनिया के सामने ना आए इसके लिए करुणा ने कितने दुख उठाए, कितने अपमान से, आज वो सब बेकार। और कोई उपाय नहीं बेटा, दोष हमारी बेटी का है, प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। हेलो, सुनिए, कमला किसी तरह भी होश में नहीं आ रही, डॉक्टर के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, आप किसी बड़े डॉक्टर को बुलाइए ना। अच्छी बात है, मैं आनंद को भेज देता हूँ। आनंद घर जाओ, तुम्हारी मैं कमला के लिए परेशान हो रही है।